सो हे गाइस, वेलकम बैक आर एच डी एडिटिंग जोन। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ फेस टैटू एडिटिंग, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी को समझ में आएगा। ओके गाइस, देखो मॉडल को अपना पिक्सार्ट में ओपन करना, ठीक है, इस तरीके से। एंड आपको मिल जाएगा एड फोटो, जरूर से जरूर कर, ठीक है। मतलब एड फोटो को उसको करना है, ठीक है। इस तरीके से एड फोटो मिल जाएगा। सिंपली आपको एड फोटो करने के बाद आपको जो मैं जिंग मतलब ये वाला पीएनजी आपको दिख रहा है, मतलब ये जो पीएनजी है विग्नेट का पीएनजी, ठीक है। सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सब डाउनलोड कर लो, ठीक से। एंड इसको जस्ट को सीख से मतलब सेटअप जरूर अच्छा से कर लेना, ठीक है। तो आपको ठीक से मतलब सेटअप करने के बाद जस्ट आपको कुछ नहीं, इसको राइट पर क्लिक कर देना होगा। ओके, एंड राइट पर क्लिक करने आपको हम पर चल जाना है मतलब टूल्स पर एंड एडजस्ट पर, ठीक है, एडजस्ट पर। तो जैसे कि मैंने ब्राइटनेस को मतलब 19% तक इतना करीब रखा था, एंड जो कॉन्ट्रास्ट को उसको डायरेक्ट हम पूरे माइनस मतलब 100 करेंगे। ओके ना, इस तरीके से पूरा माइनस करेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग का क्लैरिटी के बारे। तो गाइस देखो, क्लैरिटी को हम करेंगे 32+ करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम कोई सचुएशन ये सब नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट हम चलेंगे शैडो पर। ओके, तो शैडो पर आने के बाद देखो इसको कुछ मतलब ये मतलब माइनस करना, ठीक है, मतलब 42 पर तक। एंड जो टेम्परेचर लास्ट में रहेगा उसको कर देना है 33 तक। ओके, जस्ट उसको राइट पर क्लिक कर देना है। ओके, राइट पर जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ आपको मिल जाएगा, इधर में आपको एड फोटो फिर से आपको करना, ठीक है। एंड ये शानदार से एक पीएनजी मिल जाएगा, इसको मैं सबको डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। ओके, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। एंड सिंपली से इसको आपको ब्लेंडिंग पर आना है, उसको मल्टीप्ले करना, ठीक है। ओके, मल्टीप्ले जैसे आप करोगे तो वहाँ पर आपको देखना ऑपोजिट मिल जाएगा, उसको 50% तक माइनस करना, ठीक है, मतलब 50% बराबर तक उसको ऑप्शन रखना। तो जैसे वही सब हो जाएगा, इसको हम ठीक से सेटअप बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, ताकि मतलब फेस पर लगे एंड मतलब उसके हैंड पर लगे। तो हम पहले सेटअप को कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं आगे मैं बोलता हूँ। ओके, ये सब होने के बाद आपको सीधे आपको चल जाना इरेजर टूल पर। एंड उसको मतलब जितना मतलब ब्रशेज है हार्डनेस ऑपेसिटी एंड साइज को ठीक से आपको एडजस्ट करना, ठीक है। ओके, एडजस्ट होने हो जाएगा, सिंपल आपको कुछ नहीं करना। देखो मैं इरेज जैसे कर रहा हूँ उसके इस हिसाब से उसको इरेज करना, ठीक है, जैसे उसको पार्ट्स जितना है उसको अलग बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, मतलब उसको फेस पर ही लगना चाहिए। फेस में सिर्फ उसका आईब्रो एंड आई पर एंड जो मतलब लिप होता है उस पर ही मतलब इरेज उसको करना, ठीक है, ताकि वो इरेज होने से मतलब थोड़ा बहुत दिखेगा, अच्छा लगेगा, देखो ये कितना बढ़िया सा लग रहा है, ठीक है। ओके गाइस, आँख पर इसलिए हम नहीं करेंगे क्योंकि आँख पर टैटू कभी भी नहीं लगता है, मतलब कोई भी नहीं बना सकता। ओके ओके, जस्ट आपको देखना लिप्स पर मिलेगा, लिप्स पर भी इसको मतलब बहुत अच्छे से रिमूविंग मतलब रिमूव कर लेना, ठीक है, ताकि मतलब एक्चुअली होल पर होता है लेकिन इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है। ओके, जैसे ये सब हो जाएगा इस कुछ नहीं करना आपको, वैसे देखो कोई यहाँ पर मिल जाएगा इधर इस साइड में थोड़ा सा है, तो आपको साइड नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये सब होने के बाद देखो अभी तक हम लोग का राइट पर क्लिक करना, ठीक है, एंड इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे एक बार, इस तरीके से जाएंगे एंड डुप्लीकेट लेयर। ओके गाइस, अपना मतलब डुप्लीकेट करने के बाद देखो कि जो गला में जो हैंड में जो बाकी था उन चीज़ों को हम ठीक से कर लेंगे, इसको रिमूव कर क्लिक करेंगे। ओके, तो इसमें भी ब्रश का साइज़ हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ओके, ठीक ठाक कर लेंगे। सो ये करने के बाद देखो क्या करना है, इस नीचे में जो दिख रहा है हैंड उस पर जो साइड में जैसे शर्ट पर लगा हुआ है वो सब रिमूव करें, ठीक है, मतलब उतना भी आपको जरूरत नहीं कि पूरा का पूरा रिमूव करो, अभी तो सब क्लियरिटी मतलब सब हट जाएगा। ओके ओके गाइस, अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, क्योंकि हमारा मतलब काफ़ी यूनिक जो पेमेंट आने वाली है, ठीक है, ये मतलब यूट्यूब से। सो यहाँ जो हम दिख रहा है रिमूव कर रहा हूँ, तो इस तरीके से इसको रिमूव कर लें, ठीक है। एंड ब्लैक एंड गाइस प्रेस जरूर करो, लाइक करके लाइक जरूर करो, ठीक है, एंड कमेंट करके बताना। सो राइट करने के बाद देखो अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो जरूर करो, ठीक है। देखो बिफोर आफ्टर मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से किसे हो गया, ठीक है। ओके गाइस, इसके बाद हम चले जाएंगे ऐड फोटो पर। ओके, तो ऐड फोटो पर जाने के बाद ये वाला मतलब पीएनजी को आप लाइट पीएनजी को है ना ऐड करेंगे। सो इसको ऐड करने के बाद हमसे इसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद देखो क्या करना है, अभी एडजस्ट नहीं, अभी पहले हम जाएंगे ब्लेंडिंग में, इसको स्क्रीन सिंपली सा इसको स्टिप, ठीक है, इसको स्क्रीन कर लेना है। एंड इसको जो मतलब इस कोने पर इसको ठीक से सेटअप जरूर से जरूर अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से करना है, उसको बड़ा जूम करके, ठीक है। सो इस टाइप करेंगे, इसको ओके कर देंगे, हो गया इधर में, इधर काम हो गया। सो इसको ऑफिस थोड़ा सा रखेंगे इस तरीके से, देख रहे हैं इतना, ठीक है, 100 का बराबर, ठीक है, इसको राइट करें, ठीक है, फाइनली ये हो गया हमारा। ओके गाइस, अपना इंटरनेट को ऑन रखना, ठीक है, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सो इंटरनेट को ऑन रखने के बाद यहाँ आपको मिल जाएगा लेंस फेयर। ओके, तो लेंस फेयर में जाकर इस नीचे इसको डाउन करना है, मैं जो ले मतलब लूँगा वो इसी को लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा लाइटिंग सा इफेक्ट आता है। सो मैंने इस वाले को लिया। अरे इसका काम क्या होता है मैं आपको दिखा दिख रहा हूँ, इसका काम मतलब इस चीज़ का काम इसको है ना, इसको इस कोने में लगाएंगे एंड जो नीचे वाला हम लोग का राउंड है इसको इधर करेंगे, ठीक है, ताकि मतलब और भी ज़्यादा आर्टिस्टिक देखने के लगे, मतलब ए आई, ठीक है ना। सो आप इस तरीके बना सकते हो, बस बाय आर एच डी को फॉलो ज़रूर करो, ठीक है। सो बिफोर आफ्टर मैंने आपको चेक करा दिया, इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं। सो देखो अब क्या करना है, सिंपली अभी हमको अपना उसको डाउनलोड करके यहाँ आपको आ जाना है मतलब गैलरी पर।
सो इसको हमको सेंड कर देना हमको लाइट रूम में। ओके गाइज देखो जैसे हम मतलब इसको भेज देंगे तो इस यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, मतलब लाइट रूम में। सो इस वाले को कॉपी करना, ठीक है, इसको मतलब DNG फाइल में इसको दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ आ जाना जिसको मैंने ये बनाया है, ठीक है, तो इसको बनाया तो इसको पेस्ट करना है यहाँ पर, स्टिल थ्री डॉट पर क्लिक करना एंड यहाँ आपको मिल जाएगा इसको हम कट कर लेंगे सिंपली। सो इसको देखो थ्री डॉट पर जाएंगे एंड मिल जाएगा हमको पेस्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला पेस्ट सेटिंग हम जस्ट को क्लिक करेंगे तो ये इसमें मर्ज हो जाएगा। ओके तो आप देख सकते हो क्लैरिटी को, मतलब अभी आपके लाइव बनाए मैंने इसको, ठीक है। सो ये AI से भी कम नहीं है, ठीक है ना, ये मतलब नया क्या वाला मॉडल कॉन्सेप्ट। सो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड इसको हम सेव ऑप्शन पर जाके सिंपली सा इसको नॉर्मली जो होता है हम लोग का सेव बटन पर इसको क्लिक मतलब सेव टू डिवाइस पर क्लिक करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।